इधर रहते तो हो सकता है कि कुछ लॉलीपॉप मिल भी जाता, लेकिन वहां रहकर के वो कभी नहीं मिलना। सचमुच आपने जिनको स्वास्थ्य विभाग दिया उनको लॉलीपॉप दिए। वो सुंदर गाय है, ना दूध देगा ना बाछा देंगे, आसाना से जवाब देंगे। और मंत्रिमंडल का एक स्वरूप होता है, विधायक कर। मैं तो बिहार से सटा हुआ मेरी क्षेत्र है, और धान बहुत अधिक पैदा होता है, नहरों की सुविधा भी बहुत है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा बेटा भले मंत्री हो विधायक का हो, लेकिन हम लोग सुच्चा किसान के बेटा, इस पर बहस नहीं है। किसान का दर्द, किसान की पीड़ा और किसान की वेदना हम लोग अपनी नंगी आंखों से देखे हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जो धान क्रय हो रहा है बड़ी संख्या में, बेशक किसानों की आमदनी दोगुनी हो, आपकी भी इच्छा है, लेकिन किसान से आपको दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। किसान का रिश्ता तो हम लोग से, नहर का पानी आप नहीं माफ किए हैं, हाँ मत करिए, सुनने का आदत डालिए, बर्दाश्त करिए ना थोड़ा सा। तो मेरा एक बात निवेदन है, आपको जो बोलना होगा बोल दीजिए, मैं जवाब दे दूं। नहीं, इधर कोई नहीं बोलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है कि जो धान क्रय हो रहा है, मैं जरूर चाहूंगा नेता सदन से, कि बड़ा अच्छा है कि नेता सदन बैठे हैं, अब एक सर्वे करा लीजिए कि धान का पैदावार कहाँ कहाँ विशेष है, और वहां पर जो विशेष है उनके लिए विशेष व्यवस्था दिया जाए। ये आज की व्यवस्था नहीं है, जहाँ जिसकी आवश्यकता है वहां पर विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे इलाके में मैंने बहुत निवेदन किया, आपके अधिकारी ने जरूर 2 लाख टन बढ़ा दिया। मैंने कहा कि मेरे तरह धान की खरीदारी बहुत है, और आप माननीय अध्यक्ष जी अब जरा सर्वे करा लीजिए, आबादी के 60% लोगों के पास 1 एकड़ 1 एकड़ से कम जमीन है, 28% लोगों के पास 3 एकड़ 3 एकड़ से कम जमीन है, मात्र 12% लोगों के पास सीलिंग एक्ट के तहत जमीन है। खेती कौन कर रहा है माननीय अध्यक्ष जी? खेती वो कर रहा है जो अभाव में है तो अनपढ़, बहुत कम लोग खेती संपन्न लोग, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग का धर्म कर्म बनता है, हम लोग का फर्ज कर्म बनता है कि संख्या बढ़ाई जाए। और जो पश्चिम और पूर्व में अंतर है, पंजाब में हम लोग में अंतर है, हमारे यहाँ लेट वैरायटी है, और हमारे यहाँ लेट वैरायटी होने से वजह आप फरवरी में कह देते हैं कि धान की खरीदारी बंद हो जाएगी। बहुत जो उसमें जो मनोज जी ने कहा, सचमुच बिचौलिया इतना भागीदार हुए हैं, उनके लिए भी एसटीएफ का उपयोग करिए, और जो लोग भी इसमें काम करते हैं गंदा घटिया, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम किया जाए, जिससे धान किसान की आय दूनी हो, किसान संपन्न हो। हिंदुस्तान में जब तक किसान संपन्न नहीं होगा, हिंदुस्तान दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि आबादी के 60%। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि ये जैसे भाई राकेश जी ने कहा, मैं सहमत हूँ कि जैसे आपने सूखा और बाढ़ पर चर्चा कराई तो उसमें सुधार हुआ, अधिकारी का कान खड़ा हुआ। मैं चाहूंगा कि धान पर भी, क्रय पर भी चर्चा कराइए, और चर्चा कराकर इन आप जिन अधिकारियों के बल पर चाहते सत्ता चलाना और जनप्रतिनिधि बेकार हैं, ये मानसिकता हम सबको बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अधिकारी तो इतने खूबसूरत घुड़सवार होते हैं, घोड़ा होते हैं, जो अपने घुड़सवार को समझ लेते हैं ये चलने वाला वाला है कि नहीं चलाने वाला है। इन अधिकारियों के बदौलत ही हम सत्ता न चलाएं। सत्ता की भागीदारी में जनप्रतिनिधि का भी हो और अधिकारी का हो, तब मैं जरूर कह सकता हूँ कि जहाँ होना चाहिए वो बेहतरीन और खूबसूरत होगा। और यही मेरा नेता सदन आपसे निवेदन है कि धान क्रय पर कम से कम पूरब की तरफ, जहाँ लेट वैरायटी है, खाद अब गेहूँ की बाग शुरू है, कोऑपरेटिव में थोड़ा आप देख लीजिए कि जो खाद की खरीदारी होनी चाहिए। हम लोग बिहार सारा से सटा हुआ, बिहार में खाद का बहुत डिमांड होता है, हम जानते हैं। और मैंने कहा कि लघु और सीमांत किसानों की संख्या बढ़ी है, ऐसे समय में माननीय अध्यक्ष जी मेरा आपसे निवेदन है कि धान क्रय का जो सिस्टम है उसको बहुत पाक साफ करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।